राजधानी दिल्ली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कुछ बदमाशों ने 25 साल के एक युवक की हत्या कर दी। मामला नई उस्मानपुर इलाके का है, जहां चिंटू नाम का युवक गोवर्धन पूजा के बाद पड़ोस की एक दुकान से सामान खरीदने गया था। उस दुकान पर मौजूद सिगरेट पी रहे कुछ बदमाशों ने उसे गोली मार मौत के घाट उतार दिया। वहीं मृतक चिंटू का दोस्त भी इस वारदात में घायल हो गया। किसी एक बंदा आया मेरे को बुलाने के लिए कि भाई तुम्हारे भाई को गोली मार दी है, सब बाजार में फटाफट भगते हुए आओ। इनमें मैं भगता हुआ गया पीछे पीछे, वहाँ देखा मैंने दो बंदे थे, एक मेरा मैं और एक लड़का और था जान पहचान का, क्या नाम था उसका, रिंकू नाम का लड़का है। उसके नाम है, उसके यहाँ पर नीचे बैक साइड में चोट लगी, ये नहीं पता गोली लगी उसे क्या लगी, ये नहीं पता। पुलिस वाले उसको ले गए अपने साथ बैठा के दूसरी गाड़ी में, और मैं अपने भाई को लेके आऊँ ऑटो में बैठा के यहाँ पे। यहाँ लाने के बाद उन्होंने चेक करा, चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि मेरे भाई अब एक्सपायर हो चुका है। गोली लगी आपके भाई के? हाँ गोली लगी, पीछे शोल्डर से गोली मारी है, आगे से निकली है। वारदात के बाद चिंटू के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। करुणा ठाकुर के साथ इसरार अहमद की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।